गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट आई एम प्रदीप कुमार साहू असिस्टेंट प्रोफेसर हॉर्टिकल्चर भारतीय कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर दुर्ग आज का हमारा कोर्स टाइटल है पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट एंड वैल्यू एडिशन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इसके अंतर्गत एक टॉपिक है पोस्ट हार्वेस्ट फैक्टर क्या वो क्या होते हैं पोस्ट हार्वेस्ट फैक्टर इसके बारे में हम आज लेक्चर से डिलीवर्स करेंगे कि पोस्ट हार्वेस्ट फैक्टर जो है क्या क्या प्रभावित करते हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के प्रिजर्वेशन के लिए या उसके स्टोरेज लाइफ के लिए या उसके मैच्योरिटी के लिए या उसकी मैच्योरिटी इंडाइसिस के लिए या उसके प्रोडक्ट्स बनाने के लिए क्या क्या पोस्ट हार्वेस्ट फैक्टर हैं वो अब वो सब चीज़ के बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे तो फर्स्ट है पोस्ट हार्वेस्ट फैक्टर्स में फर्स्ट है क्यूरिंग इट इज़ फ्लेवर्ड बाई हाई टेम्परेचर एंड हाई ह्यूमिडिटी देन सेकेंड है क्यूरिंग के अंतर्गत पोटेटोस स्वीट पोटैटो कोलोकेसिया ओनियन गार्लिक एंड क्यूर्ड पेयरिटिव मार्केटिंग देन थर्ड है क्यूरिंग रिड्यूस मॉइस्चर कंटेनिंग ओनियन एंड गार्लिक देन आर्टिफिशियल क्यूरिंग ऑफ ओनियस एस डन एस फोर्टी डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देन सेकेंड है डिग्रीनिंग इट इज एप्लीकेबल टू बनाना मैंगो सिट्रस टोमेटो डिग्रीनिंग के थ्रू लोड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इथाइलिन ट्वेंटी पीपीएम इज अप्लाइड फॉर डिग्रीनिंग बेस्ट डिग्रीनिंग टेम्परेचर इज ट्वेंटी सेवन डिग्री सेल्सियस रिलेटिव ह्यूमिडिटी रिलेटिव ह्यूमिडिटी होना चाहिए एटी फाइव से नाइन्टी परसेंट सी ओ टू का लेवल होना चाहिए बिलो वन परसेंट डज नॉट अलाउ हायर कॉलरिंग देन थर्ड है पोस्ट हार्वेस्ट फैक्टर में प्री कूलिंग मीन्स रिमूविंग ऑफ फील्ड हीट प्री कूलिंग पीस एंड ओखरा विच डिक्टोरियस फास्ट नीड्स प्रमोट्स कूलिंग देन सेकेंड है वाटर कूलिंग जिसको हाइड्रोलॉजिकल कूलिंग भी कहते हैं इट इज़ यूज फॉर लीफी वेजिटेबल्स जैसे कि इट लाइक्स भी अमेरेंथस पालक स्पेनिच मोरिंगा लीफ ये सभी इसके एग्जाम्पल्स हैं देन थर्ड है हाइड्रो कूलिंग हाइड्रो कूलिंग एट ट्वेल्व डिग्री से फिफ्टीन डिग्री सेल्सियस विथ फाइव हंड्रेड पी पी एम बायोस्टींस इंक्रीज सेफ लाइफ ऑफ मैंगो देन फोर्थ है डिसइंफेक्शन डिसइंसफेक्शन हम कैसे करते हैं पोस्ट हार्वेस्ट फैक्टर्स में पपाया मैंगो मेलॉन्स आर सेक्टेबल टू फ्रूट फ्लाई अटैक्स डिस इंफेक्शन इज डन अदरवाइज वेपर हीट ट्रीटमेंट जिसको वी एस टी शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं एट द रेट फोर्टी थ्री डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और बाई इथेलिन डाइब्रोमाइड फ्यूमिगेशन डाइब्रोमाइट फ्यूमिगेशन करते हैं 18 से 22 ग्राम पर मीटर स्क्वायर देन फाइव है वॉक्सिंग वॉक्सिंग जो है टू टाइप्स ऑफ वॉक्सिंग इमलसंस एंड वॉक्स ओ एंड डब्ल्यू बोथ कंटेन्स 12 परसेंट टी दोनों में जो है 12 परसेंट टी की मात्रा पाई जाती है वॉक्स ओ इम्पोर्ट ग्लॉस टू फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स वॉक्स डब्लू डज नाट इंपार्ट ग्लोज टू फ्रूट एंड वेजिटेबल्स देन नेक्स्ट पोस्ट हार्वेस्ट फैक्टर है राइपनिंग राइपनिंग में देखते हैं कि साइकोशेल जो फाइव हंड्रेड एम एल पर लीटर या एल आर या जी ए मैंडल बाईसलफेड रिटायर्ड रायपनिंग यूज ऑफ प्रोफिल सिलीकेट कैरियर इन Effective in complete absorption of ethylene in banana held in sealed polythene bags. Then Concentration. Concentration of CO2 above 1% delay ripening. Then Ethephon. Commercially known as ethereal or CEPEPA is used for ripening. CAC2 can also be used for ripening. टूटॉक्स टॉक्स फंगीसाइड्स है विथ वॉक्स ओ रहता है इसमें जीरो पॉइंट थ्री परसेंट इसकी क्वांटिटी रहती है एंड टेल प्रोलॉन्ग इसकी मात्रा रहती है वन से वन पॉइंट फाइव परसेंट रिटायर्ड राइफनिंग और इन मैंगो देन हम इसके बाद देखते हैं कि पैकेजिंग पैकेजिंग कैसे करते हैं क्या फोस्ट हार्वेस्ट फैक्टर है पैकेजिंग जो है तो पहला है एप्पल में एप्पल में हम पैकेजिंग करते हैं वुडन बॉक्स से जिसका साइज रहता है फोटी फाइव इंटू थर्टी इंटू ट्वेंटी सेवन पॉइंट फाइव सेंटीमीटर स्क्वायर पैकेजिंग कैपेसिटी रहता है सिक्सटीन से एटीन के जी सोलह से अट्ठारह के जी इसके वुडन बॉक्स का जो है वेट रहता है कैपेसिटी रहता है देन सेकेंड है मैंगो वुडन बॉक्स में करते हैं फोर्टी फाइव इंटू थर्टी इंटू थर्टी सेंटीमीटर पैकेजिंग में कैपेसिटी रहता है सोलह से अठारह के जी अब देखते हैं कि क्यूसमिंग क्यूस्मिंग मटेरियल्स जैसे कि पेडी स्ट्रा बनाना लीव्स ड्राई ग्रास या विट स्ट्रा का हम यूज़ पैकेजिंग मटेरियल्स के रूप में उपयोग कर सकते हैं या हम यूज में लाते हैं इन द जनरली पैकेजिंग मटेरियल के लिए देन एट पे है ट्रांसपोर्टेशन कि कैसे पोस्ट हार्वेस्ट फैक्टर्स को कैसे ट्रांसपोर्टेशन जो है इफेक्ट करता है या प्रभावित करता है फॉर हाईली पेरिसेबल कॉमोडिटीज देअर शुड बी मिनिमम टेम्परेचर राइस ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन जो बहुत जल्दी शीघ्र पेरिसेबल खराब होने वाले ऐसे वस्तुएँ हैं जिनका हम ट्रांसपोर्टेशन के लिए कुछ सावधानियाँ जो है हम उस प्रिकॉशंस जो है रखते हैं ये ट्रांसपोर्टेशन की इफ़ेक्ट को प्रभावित करते हैं पोस्ट हार्वेस्ट फैक्टर्स को प्रभावित करते हैं देन हम देखते हैं कि स्टोरेज स्टोरेज में जैसे कि हम बहुत सारी स्टोरेज कैपेसिटी है स्टोरेज की वेट है है ना किस टाइप से हमको स्टोरेज करना चाहिए जैसे टू स्टोर फ्रूट एंड वेजिटेबल्स लो टेम्परेचर एंड हाई ह्यूमिडिटी 90 से 95 फाइव परसेंट आर एच रिलेटिव ह्यूमिडिटी आर रिक्वायर्ड एक्सेप्ट इन ओनियन एंड गार्लिक विच रिक्वायर्स विच रिक्वायर्स रिलेटिव ह्यूमिडिटी 70 परसेंट ओनियन और गार्लिक के लिए रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है 70 परसेंट होना चाहिए देन सेकेंड है 90 परसेंट कैपेसिटी ऑफ कोल्ड स्टोर

जीरो पॉइंट वन के जी वाई इन पोटेटो इरेडिएशन ऑफ जीरो पॉइंट वन के जी वाई गामा रेस कैन इनहेबिट स्प्राउटिंग कम्प्लीटली तो इस प्रकार हम देखते हैं कि पोस्ट हार्वेस्ट फैक्टर जो है कैसे प्रभावित करते हैं हमने इस लेक्चर के दौरान जो है क्यूरिंग डी ग्रीनिंग प्री कूलिंग डिसइनफेक्शन वॉक्सिंग रैपनिंग पैकेजिंग ट्रांसपोर्टेशन स्टोरेज और इरेडिएशन ये सभी जो है पोस्ट हार्वेस्ट फैक्टर्स है